आती है और खासतौर पर इस क्रिसमस के मौके पर आप सबको इस जगह पर खुशामदीद कहते हैं और ये खुशी है। आगे मैडम ने जो बताया गया कि क्रिसमस का जो मतलब है वो है यीशु मसीह की पैदाइश। और सबसे बड़ी बात जो दुनिया पूरी दुनिया की निजात के लिए आया है और वो जो मोहब्बत उन्होंने हमसे की है हम वही मोहब्बत को आप सबसे मांगते हैं ताकि हम उस मोहब्बत और यूनिटी में रहकर हम एक दूसरे को समझें और जितनी खलाश से दूर करके बल्कि एक दूसरे का अप्रिशिएट करें। और एक बार फिर से मैंने तमाम आवेश का शुक्रिया जो यहाँ पर तमाम लोगों को इन्वाइट किया गया और वहाँ किसी भी मजहब से उन्होंने ये बात पहले क्लियर कर दी है कि पहले हम इंसान हैं उसके बाद फिर मजहब है और जो भी है जो कम्युनिटी है या कोई भी किताब है ये वाकई हकीकी दर्श है कि हम अल्लाह पाक उसकी मर्जी को पूरा करें और उसकी मर्जी से हम चलें और उसकी मर्जी से हम जिंदा रहें ताकि जब हम जो भी इंसान अपने वक्त पर उसके सामने हाजिर किया जाए तो चल साफ हो तो खुदा की नजर में बेहतर जाए। थैंक यू शुक्रिया। और मुझे नहीं पहले पता था आप कहाँ से हैं क्या हैं किस ग्रुप से हैं लेकिन जब से मैंने ह्यूमन राइट्स के काम शुरू किया तो अंदाज़ है मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैडम बात कर रही थी और अगर मेरी यहाँ पे आज मौजूदगी है तो उसकी वजह मैडम श्री असलम है। थैंक यू। यकीन करें सबसे पहले तो मैं क्योंकि उन्होंने बात स्टार्ट की सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िलाई सदर सरदार अशर याद खान साहब हमारे हलका हम आज थोड़े से लेट भी हुए हैं तो खान खुर्रम खान साहब हमारे MLA के उम्मीदवार हैं हलका 49 से उनके जो पेपर हैं नामजदगी वो हम लोग अजहर साहब जो ऑफिस में तैयार कर रहे हैं वो आज हमारे साथ हैं। तारिक नवाज साहब पीपी भान से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी सदर हैं दाऊद मयूर साहब इनको मैडम श्री की तरफ से अपनी तरफ से अगर मैं कुछ आमदीद कहूँगा मेरे इस हाल में ज़िले सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खवातीन में मैडम हाजरा तुलसन साहिबा और जितने भी काबिल एहतराम दोस्त अहबाब भाई नसीर खान जदून साहब बरकान साहब हैं साबिक वाइस चेयरमैन हैं बड़े भाई हैं मेरे जो मैं बात कर रहा था मैडम श्री असलम साहिबा की तो आपने सोशल मीडिया की वसादत से सब मैं समझता हूँ ग्लोबल विलेज हर बंदे ही इस्तेमाल करता है फरहान भाई कुछ टाइम पहले दो दिन कबल हमने एक अटक खुली कचहरी के हवाले से एक अवार्ड तकरीब रखी जिया साहब मियाँ साहब भी उस तकरीब में मौजूद थे तो वहाँ पे मैडम श्री असलम ने वहाँ पे अपने ख्याल के इजहार में इनकी आंखें में वो छलक पड़ी आंसुओं से वो जज्बात थे इंसानियत थे। यकीन करें कि हमारा जब कोई बहुत ही करीबी अगर कोई बहुत बड़ा भी हादसा हो जाता है तो हमारी आंखों में आंसू नहीं आते आंसू तभी आते हैं कि जब कोई करीबी या घर में कुछ होती हो तो मैं समझता हूँ कि वो क्यों आते हैं कि वो जो एहसास है वही इंसानियत है। तो इन्होंने जिस तरह वहाँ पे बात की यकीन करें तरसती आंखों के साथ ना तो ये कोई किसी को ये देख रही थी कि सामने कौन बैठा है बल्कि अपने जो जज्बात का इजहार कर रही थी यकीन करें कि हाँ ये तो बात कर रही थी तय भाई आज से 5-7 साल कबल अगर क्रिसमस का दिन आता था 25 दिसंबर के हवाले से क्रिसमस के हवाले से मेरी भी वही सोच थी जो कि अक्सरियत लोगों की सोच होती है लेकिन मैडम श्री असलम साहिबा की ये मैं समझता हूँ उनको क्रेडिट मैं देता हूँ कि इनके प्रोग्राम में जाकर मुझे जो इंसानियत का मैसेज है शेख भाई यकीन करें कि सबसे पहले जो है वो इंसानियत है। हमें मुसलमान से जितने भी मसाले हैं मसाले से बालाकार होकर सबसे पहले तो इंसान है और इसमें सबसे बड़ा मैसेज आज के दिन अगर कोई मैसेज है रेस्क्यू की टीम मौजूद है वो मैसेज ये है कि जब अगर कोई एक्सीडेंट कोई हादसा पेश आता है वो उस वक्त जब एक मरीज को जब खून की बोतल की जरूरत पड़ती है तो उस वक्त ये नहीं देखा जाता कि ये खून मुसलमान का है या क्रिश्चियन का है यहूदी का है सुन्नी का
का है, शिया का है, उस बात को ब्लेंड देखा जाता है, यानी ए पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव है। मेरे डिपार्टमेंट में शबाज बॉबी एक लड़का मसीह है, हमने उसकी बीवी का मसला था तो मैंने वहां पे फोन दिया है, मेरा भाई है। तो इस ये मैसेज आज के दिन देखें, आज के दिन हम मुसलमान एज ए मुसलमान, हमारी यहाँ पे ये बात कर रही थी, एज ए मुसलमान हम नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके हमारे आखिरी नबी, उनकी बात ये है कि वो खातमुन नबीयीन वो रहमतुल आलमीन है, पूरे आलम के लिए रहमत है, वो कोई रहमतुल मुसलमीन के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया। तो अल्लाह पाक ने जिस अपने महबूब के लिए अगर खातमुन नबीयीन और रहमतुल आलमीन का लकब इस्तेमाल किया तो वो सारे जहानों के लिए रहमत है। तो मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि अकलीतियों के नुमाइंदा जमात है, मैं अपने जिले सदर सरदार शहजाद खान साहब जो कि यहाँ मौजूद है खुद भी बात करेंगे, अपने डिवीजनल सदर सरदार श्री हैदर खान साहब की तरफ से तमाम आप वसी बिरादरी को ईद जो है आपकी क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस बात के साथ करते हैं जो लोगों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते, एक तालियां होनी चाहिए मैडम श्री अमित साहब के लिए।